हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को उसको जानेंगे। सबसे पहले तीन इक्वेशंस देख लीजिए। इस तरह की इक्वेशंस अगर हो, कोई भी टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होती है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल्टा अपॉन डेल वाई टू होता है, और यू जो है वो फंक्शन है टी एक्स और वाई का। उसी तरह टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो होता है, डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू के इंटू डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह की इक्वेशन हमारी लाप्लास इक्वेशन होती है। बेसिकली ये इक्वेशन जानना है हमें, इस इक्वेशन की ज्यादा इक्वेशन दी होगी उसको हमें मैथड्स की, कई मैथड्स हैं जैसे मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसकी मदद से सॉल्व करना है। ये सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए नाम भी इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कह रहा कि भाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, और यू एक्स कॉमा जीरो फोर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं कि यू एक्स का भी फंक्शन है और यू वाई का भी फंक्शन है, और इसको सेपरेट करके हमें फर्दर सॉल्व करना है। उसके लिए हम करेंगे क्या, जरा हो जाए। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। इक्वेशन जो दी गई है वो थ्री डेल यू बाई डेल एक्स प्लस टू टाइम डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दी गई। अच्छा, हमने माना लेट यू इज इक्वल टू एक्स एक्स, एक्स जो है फंक्शन एक्स का वाई वाई, इस तरह से इज अ सोल्यूशन ऑफ वन। इसका मतलब ये है कि हमने यू को, चूंकि x का भी फंक्शन और y का भी, तो इसको एक्स एक्स और वाई वाई ले लिया। ये अंडरस्टूड है कि x फंक्शन है x का और y फंक्शन है स्मॉल y का। तो डेल यू बाई डेल एक्स अगर हम करें, डेल यू बाई डेल एक्स करें एक बार लिख दिया तो इसका मतलब पता चल रहा है कि x x का फंक्शन है और y स्मॉल y का। डेल यू बाई डेल एक्स अगर करें स्मॉल x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएट होगा x डैश होगा, और y उसी तरह से कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि y और y y का फंक्शन है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार हमने मेंशन कर दिया, अब यहाँ जो जो चीजें चाहिए वो हम निकाल कर रख देते हैं। सिमिलरली अगर हम डेल यू बाई डेल वाई यहां से देख लें, डेल यू बाई डेल वाई देख लें, तो डेल यू बाई डेल वाई जो होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स तो कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएट करें, और वाई डैश हो जाएगा। वाई डैश का मतलब ये वाई के रिस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंशिएट है। अब एक काम करें, इस वाली इक्वेशन में दोनों वैल्यूज उठा के पुट करते हैं। यू चूंकि फंक्शन एक्स और वाई का था, तो उसको हमने एक्स एक्स वाई वाई ले लिया। एक्स फंक्शन एक्स का सपोज किया और वाई फंक्शन वाई का, डेल यू बाई डेल एक्स किया, क्योंकि जो जो चीजें चाहिए वो यहाँ उठा के उसको सॉल्व करके यहाँ पे रखें। ये एक्स वाई कैसा गया, पुटिंग इन फर्स्ट, ये वैल्यूज हमने उठा के फर्स्ट में पुट कर दी, पुटिंग इन फर्स्ट। ये कितना है, थ्री इंटू दिस इज एक्स डैश इंटू वाई, x डैश इंटू वाई, इसकी जगह x डैश इंटू वाई रखा, प्लस टू यहां पे हमारे पास जो आया डेल यू बाई डेल वाई की जगह x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास ये इतना आ गया। अब एक काम करें, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करें, थ्री एक्स डैश वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स इंटू वाई डैश, ये इधर आ गया, तो ये हमारे पास इतना हो गया। यहां पर हमने क्या किया, 3x dash upon x is equals to minus 2y dash upon y, इतना ले लिया, और उसने कहा था कि सेपरेट करिए, तो देखिए x के नीचे x कर लिया, y के नीचे y कर लिया, इसको हमने कुछ दोनों इक्वल को कोई कांस्टेंट के दे दिया, ये कांस्टेंट है हमारे पास। कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे दरअसल हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए, और वो यहाँ पे पुट करेंगे, वही हमारा यूएस का सोल्यूशन होगा। ये बाउंड्री कंडीशन है जो कांस्टेंट निकालने के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थ्री एक्स डैस अपॉन एक्स को के इक्वल ले लिया, इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर हमें मिला क्या, इंटीग्रेट करने पर मिला इसको हम चाहें तो के बाई थ्री भी कर दें, x डैश अपॉन x इज इक्वल टू के बाई थ्री, ये हमारे पास k बाई थ्री हो। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया,
बाय पार्ट से इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग चूंकि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो जब इंटीग्रेट किया इसको तो एक्स डैश अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्व टू इंटीग्रल के बाई थ्री इंटू डी एक्स हो गया। ये इंटीग्रेशन लॉग कैपिटल एक्स रहा, एक्स को जब टी माना तो एक्स डैश डी एक्स इज इक्व टू डी टी, के बाई थ्री बाहर, वन डी एक्स स्मॉल एक्स रहा, वन डी एक्स स्मॉल एक्स रहा, और यहां पे एक कॉन्स्टेंट हमने लॉग सी वन लगा लिया, लॉग सी वन लगा लिया, एक कॉन्स्टेंट लॉग सी वन लगाया। यहां पे कितना आया, लॉग कैपिटल एक्स माइनस लॉग सी वन इज इक्व टू के बाई थ्री इंटू एक्स, ये इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हो गया, लॉग एक्स बाई सी वन इज इक्व टू के बाई थ्री इंटू एक्स, एक्स बाई सी वन इज इक्व टू ई टू द पावर के बाई थ्री इंटू एक्स, ये इतना रहा। एक्स इज इक्व टू आ गया सी वन इंटू ई टू द पावर के बाई थ्री इंटू एक्स, ये एक्स एक्स का फंक्शन तो देखिए आ गया, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब चलिए दूसरे वाले को ले लें, सिमिलरली माइनस टेकिंग, इसको हम ले लें दूसरे वाले पार्ट को ले लें, टेकिंग माइनस टू वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप को बहुत इजीली कर सकते, कैसा भी क्वेश्चन। अब हमारे पास देखिए वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस के अपॉन टू, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ले, y डैश अपॉन y इंटू डी वाई इज इक्व टू माइनस के बाई टू इंटू के बाई टू इंटू डी वाई, और प्लस कॉन्स्टेंट लगाएंगे, और कॉन्स्टेंट अभी लगाएंगे तो ये तो हो गया log कैपिटल y, log कैपिटल y, y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल y, इसको t मानेंगे तो y डैश डी वाई इज इक्व टू डी टी, माइनस के बाई टू वन डी वाई वाई हो गया, और एक कांस्टेंट हमने लॉग ऑफ सी टू लगा लिया। यहाँ पे कितना आया, लॉग वाई माइनस लॉग ऑफ सी टू इज इक्व टू माइनस के बाई टू इंटू वाई, लॉग एम माइनस लॉग एन किया, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन इज इक्व टू माइनस के बाई टू इंटू वाई, ये रहा। y upon c2 is equals to e to the power minus k by 2 into small y. So capital Y is equals to कितना आया? ये इधर चला गया. This is equals to c2 into e to the power minus k by 2 into y. ये capital Y आ गया. अब देखिए u में value put कर ले capital X और capital Y की. So u is equals to. So u is equals to. कैपिटल एक्स एक्स वाई वाई है, यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। कैपिटल एक्स की जगह हमने रखा सी वन, सी वन इंटू ई टू द पावर के बाई थ्री एक्स, कैपिटल वाई की जगह रखा सी टू इंटू ई टू द पावर माइनस के बाई टू इंटू वाई, ये कैपिटल वाई की जगह रखा। यू इज इक्वल टू हमारे पास आया C1 C2 बेस इक्वल पावर एड k कॉमन x by 3 माइनस y by 2, k कॉमन x by 3 माइनस y by 2, इतना आ गया। अब एक काम करें, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, x की जगह x रखें और y की जगह 0 रखें, यूजिंग ux कोमा 0, ux कोमा 0 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे 4 into e to the power minus x, तो ये आया कितना, ux 0 जो रहा that is c1 c2, तो ये रहा c1 c2 e to the power के x की जगह x ही रहा और y की जगह 0 by 2, ux 0, x की जगह x और y की जगह 0, ux, 0 is equals to रहा c1 c2, ये रहा e to the power के एक्स बाई थ्री, हमारे पास ये इतना रहा। यू एक्स जीरो जो है 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स है इज इक्व टू सी वन सी टू इंटू ई टू दी पावर के एक्स बाई थ्री, जो बाउंड्री कंडीशन होगा। अब इसके बाद कंपेयर किया,
C1 C2 is equals to यहाँ पे compare किया तो 4 आ गया और k by 3 x के साथ k by 3 है x के साथ minus 1 है k by 3 is equals to minus 1 that is k is equals to minus 3। अब हम यहाँ पे क्या करें second में C1 C2 की value रखें k की value put करें और answer हमारा आ जाएगा putting C1 C2 putting C1 C2 and k in second C1 C2 और k को आप second में उठा के put कर लो u is equals to C1 C2 की जगह 4 e to the power k की जगह minus 3 in bracket x by 3 minus y by 2 इतना। अब यहां पे क्या आ गया u is equals to 4 e to the power अंदर ले गए minus x आ गया और plus 3y by 2 यही आपका result रहा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और जरा एक क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का, ये फर्स्ट ऑर्डर का है यूजिंग सेपरेशन मेथड हमने यूज किया, सेपरेट करके इसको सॉल्व किया है। यू को फंक्शन कैपिटल एक्स और इनटू वाई, कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई, इस तरह से इसको किया। सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, ये सेकेंड ऑर्डर है बिकॉज दो बार डिफरेंशिएट है। बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व टू डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन, दिस इज लाप्लास इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है। ध्यान से बस देखना है, यहाँ पे डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू जीरो है, ये हमारे पास जीरो है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझना है थोड़ा। लेट u इज इक्वल टू, जैसे अभी लिया था, एक्स एक्स इंटू वाई वाई इज ए सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन है सोल्यूशन ऑफ y, ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब हमें डेल टू अपॉन डेल एक्स टू दो बार चाहिए, एक बार हमने यूएक्स किया तो यूएक्स किया तो कितना है x डैश इंटू स्मॉल y, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है स्मॉल एक्स का फंक्शन है ये स्मॉल वाई का। यू एक्स एक्स किया दो बार किया तो एक्स डबल डैश इंटू वाई हो गया, वाई उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है इसीलिए ये इस तरह का है। अब चलिए यू वाई किया, यू वाई इसको किया तो एक्स ऐसे ही रहा, वो अंडरस्टूड है कि स्मॉल एक्स का फंक्शन है स्मॉल वाई, एक्स वाई डैश हुआ। यू वाई वाई किया तो कैपिटल एक्स इंटू वाई डबल डैश हुआ, बहुत आसान और बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये डेल टू अपॉन डेल वाई टू हो गया, या इसे डेल टू अपॉन डेल एक्स टू भी लिख सकते हैं, दिस इज डेल टू अपॉन डेल एक्स टू एंड दिस इज डेल टू अपॉन डेल वाई टू, ये हमारे पास इतना रहा। पुटिंग इन फर्स्ट, इसको हमने उठा के फर्स्ट में पुट किया, फर्स्ट में जब पुट किया इसको डेल टू अपॉन डेल एक्स टू को, एक्स डबल डैश इंटू वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, सेपरेट कर ले, एक्स डबल डैश इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश, इतना रहा। एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई, इसको हमने के ले लिया, इतना लिया। एक बार हमने एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को के लिया और एक बार वाई डबल डैश अपॉन वाई को माइनस के लिया, ये इधर जाके माइनस के हो गया। अब देखिए इसको अगर कुछ मानेंगे तो फिर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा क्योंकि x तो ऐसे ही आएगा। अब यहां पे हम दो केसेस लेंगे, तीन केसेस लेंगे, सबसे पहले देयर आर थ्री केसेस, यहां पे तीन केसेस, वहां पे क्यों हो जा रहा था क्योंकि x डैश था और x था, यहां डबल डैश और एक बार x है तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो यहां पे तीन केस लेंगे, देयर आर थ्री केसेस, यहां पे तीन केस क्या होंगे जरा वो सुने। पहला केस ये है व्हेन k इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद k को 0 से बड़ा ले लेंगे, फिर k को 0 से छोटा, ये तीन केस हो जाएंगे। उसमें हम x कैपिटल x और कैपिटल y निकालेंगे, यहां पे उठा के रखेंगे, वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, x डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 हो गया,
इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हमने एक बार इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स बिकॉज कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक बार बचा एक्स डैश और एक कॉन्स्टेंट सी वन लगा लिया, कोई भी कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, सी वन इज कॉन्स्टेंट, फिर अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इंटीग्रेटिंग, एक बार और इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और इंटीग्रेट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स इज इक्वल्स टू सी वन एक्स प्लस सी टू आ गया, एक तो हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा वाला देखें, वाई डबल डैश अपॉन वाई, वाई डबल डैश अपॉन वाई, और के हमारे पास माइनस के था, व्हेन के इज इक्वल्स टू जीरो, के इज इक्वल्स टू जीरो, देन वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल्स टू जीरो, वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो, वाई तो स्मॉल वाई का फंक्शन है, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया, एक बार किया तो वाई डैश बचा, यहाँ पे सी वन सी टू यूज कर चुका हूँ, सी थ्री आ गया, फिर अगेन इंटीग्रेटिंग, इसको एक बार और इंटीग्रेट करें, तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई इज इक्वल्स टू सी थ्री वाई प्लस सी फोर, ये इतना आ गया सी थ्री, चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए सी थ्री वाई प्लस सी फोर आ गया। अब देखिए बाउंड्री कंडीशंस तो नहीं दी हुई हैं, तो जो आंसर आएंगे वो कांस्टेंट के टर्म ही में आएंगे, बाउंड्री कंडीशन होती तो फिर कांस्टेंट मिलते, यहां पे लिख सकते हैं वेयर सी वन सी टू सी थ्री सी फोर आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या कांस्टेंट लिख लें, आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये सब कांस्टेंट है। सोल्यूशन इज, सो सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन क्या रहा, सोल्यूशन इज U इज इक्वल टू था कैपिटल एक्स एक्स इंटू कैपिटल वाई वाई, ये था U इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की वैल्यू रखिए, कैपिटल एक्स की वैल्यू जो है दिस इज सी वन एक्स प्लस सी टू, एंड कैपिटल वाई की वैल्यू सी थ्री वाई प्लस सी फोर, ये हमारा सोल्यूशन हो गया सी वन एक्स प्लस सी टू इंटू सी थ्री वाई प्लस सी फोर। अब जरा सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस ये है, एक सेकेंड केस लें, ये केस फर्स्ट था तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए कहते हैं। केस सेकंड क्या लें, केस सेकंड में लें व्हेन के इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन के इज ग्रेटर देन जीरो, टेकिंग के इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, ये लेने से फायदा ये कि म्यू आप नेगेटिव रखो, लैम्डा स्क्वायर दे सकते हो, म्यू दे सकते हो, म्यू नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा और म्यू पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, म्यू स्क्वायर लेने से ये फायदा है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो। तो अब बताइए जब हमने इसको इतना लिया तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के था, तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे आ गया के की जगह म्यू स्क्वायर हो गया, दिस इज म्यू स्क्वायर, यहां पे एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ठीक, ये इतना हमारे पास आ गया। इसका मतलब डी टू एक्स हो गया, दो बार डिफरेंशिएट है, म्यू स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, डी फॉर्म जैसे कि पढ़ते थे, यहाँ पे है डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑक्सिलरी आ गई एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस म्यू इंटू एम प्लस म्यू इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू म्यू एंड एम इज इक्वल टू माइनस म्यू, ये इतना। अब बताइए सॉल्यूशन इसका क्या रहा, सॉल्यूशन जो रहा वो कुछ इस तरह का रहा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, अब कांस्टेंट चाहे सी वन सी टू सी थ्री इस तरह से हमारे पास है, सी वन इंटू ई टू द पावर म्यू एक्स लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, प्लस
या कांस्टेंट और भी दे सकते हैं, सी टू इंटू ई टू दी पावर माइनस म्यू एक्स, एक तो ये हो गया सी वन एट दी पावर एम वन एक्स प्लस ए टू एट दी पावर एम टू एक्स, कॉन्स्टेंट के नाम चेंज भी कर सकते हैं। सिमिलरली y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू, क्योंकि कैपिटल x स्मॉल x का फंक्शन था इसलिए स्मॉल x के टर्म में है, इज इक्वल टू माइनस k, y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस k मतलब माइनस म्यू स्क्वायर, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर इनटू y, दिस वन। अब यहां पे मेरे पास जो आया इसको थोड़ा सा हम लोग रब करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आसान, इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास जो आया वो कुछ इस तरह का आया, डी स्क्वायर वाई प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ऑग्जिलरी is m square plus mu square is equals to 0, m square is equals to minus ka mu square, m is equals to plus minus mu i, alpha plus minus i beta ka form hai, y is equals to c1 cos beta, alpha plus minus i beta mein hota c1 cos beta x plus c2 sin beta x into any power beta x nahi y बिकॉज y का फंक्शन, प्लस c2 c1 cos beta x plus c2 sin beta y into e to the power alpha, alpha 0 है, 0 plus minus mu y 0 y, capital y is equals to c1 cos mu y plus c2 sin mu y e to the power 0 y 1 हो गया। यह मेरे पास इतना सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन रहा वो क्या रहा, देखिए u इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एक्स कैपिटल वाई वाई, u इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एक्स, जो कैपिटल एक्स जो निकाला है दिस इज सी वन इंटू सी वन सी टू यूज कर चुके हैं तो उसको सी थ्री सी फोर कर लेता हूँ, सी थ्री और सी फोर कर लेता हूँ, दिस इज सी थ्री और दिस इज सी फोर, दिस वन और भी कांस्टेंट अलग अलग कर सकते हैं, c1 c1 e टू द पावर म्यू एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस म्यू एक्स, y c3 cos म्यू y प्लस c4 sin म्यू y, ये इक्वेशन नंबर b, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी इक्वेशन a भी सॉल्यूशन है, इक्वेशन b भी सॉल्यूशन है, इक्वेशन b तब सॉल्यूशन है जब म्यू, जब हमारे पास जब म्यू जो है k जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, एक केस और है जब k लेस देन जीरो हो, एक केस और है केस थर्ड व्हेन k इज लेस देन जीरो, टेकिंग k इज इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर ले लिया, म्यू पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए नेगेटिव ही आएगा, x डबल डैश अपॉन x कितना था इज इक्वल्स टू k था, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू स्क्वायर, यहां पे आया कितना, यहां पे आया ये a भी सॉल्यूशन है, इक्वेशन b भी सॉल्यूशन है, एक और निकालेंगे, ये तीनों उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे लाप्लास इक्वेशन के जो सेकेंड ऑर्डर का है, दिस इज बी, एक हमने शुरू में फर्स्ट ऑर्डर का किया, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू स्क्वायर था, देन x डबल डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस म्यू स्क्वायर इनटू x, x डबल डैश को d स्क्वायर x लिख सकते हैं, d स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वायर इनटू x, इतना हो गया, इसको इधर ले आया डी स्क्वायर एक्स प्लस म्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑग्लरी इसकी रही एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो,
m इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आई, ये ऑक्सिलरी रहे। x इज इक्वल टू रहा c1 cos बीटा म्यू x प्लस c2 sin बीटा म्यू x इंटू ई टू दी पावर जीरो एक्स वन हो गया। x तो इतना आ गया, अब y भी इसी तरह से निकाल लो, y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस k है और k माइनस म्यू स्क्वायर है, y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस k की जगह माइनस म्यू स्क्वायर रखेंगे तो प्लस म्यू स्क्वायर हो गया, y डबल डैश इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू y, दैट इज d स्क्वायर y माइनस म्यू स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे d स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू जीरो, ऑग्लरी जो रही m स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू, दो रूट आ गए, दोनों डिस्टिंक्ट आ गए। अब चलिए दोनों डिस्टिंक्ट आ गए, अब यहां पे हमारे पास क्या रहा, यहां पे हमारे पास क्या रहा, यहां पे दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, y इज इक्वल टू c3 e टू द पावर म्यू y प्लस c4 e टू द पावर माइनस म्यू y, ये था। सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन इज u इज इक्वल टू xx इनटू y y, ये सॉल्यूशन हमारे पास रहा जब रूट हमारे पास लेस देन जीरो रहा, तो u इज इक्वल टू x की वैल्यू दिस इज c1 cos म्यू x प्लस c2 sin म्यू x और y y की जगह c3 e to the power mu y plus c4 into e to the power minus mu y, ये क्वेश्चन सी आ गई। बाउंड्री कंडीशन कुछ दी नहीं थी इसलिए वो अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, कॉन्स्टेंट निकालने की जरूरत भी नहीं, इक्वेशन ए बी सी ये जो तीन आए हैं इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्वेश्चन ए बी सी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, एक बात तो ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए बी सॉल्यूशन है, बी भी सॉल्यूशन है और सी भी सॉल्यूशन हमारे पास है, तो ए बी सी इसके सॉल्यूशंस। ये दो प्रॉब्लम हमने लिखी हुई है, ये प्रॉब्लम्स भी काफी पूछी जाती है, जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए हैं उस बिहाव पे आप ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें हमें लेना होगा थोड़ा थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं, जैसे पहले ही प्रॉब्लम में u जो लेना होगा वो t और x का फंक्शन है, तो एक काम कर लें इसको हम लोग जो लेंगे फंक्शन वो u इज फंक्शन ऑफ xx एंड tt लेंगे, इसलिए क्योंकि स्मॉल t और x का फंक्शन है तो xx और tt लेंगे और इससे डेल u बाई डेल टू अपॉन डेल x2 निकालेंगे, तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ux जब करेंगे तो x डैश इंटू tt वैसे ही रहा, uxx करेंगे तो x डबल डैश इंटू t रहा, फिर उसी तरह से डेल टू अपॉन डेल वाई टू डेल टू अपॉन डेल टी टू निकालेंगे, ut निकालेंगे तो x वैसे ही रहेगा, t डैश आ जाएगा, utt करूंगा तो x इंटू t डबल डैश आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज इस पर रख के फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे अभी केसेस सेपरेट करेंगे, k लेंगे, k जीरो लेंगे, k जीरो से बड़ा लेंगे, k जीरो से छोटा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह से करेंगे, उसी तरह से ये वाला भी ले लेंगे, u इज इक्वल टू एक्स एक्स और tt करके सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोनों प्रॉब्लम्स को। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग पिछले प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।